मंच पर विराजमान हमारे साथी और युवा नेता, कहे तो युवा नेता, क्योंकि जब भी वो बात करते हैं तो उनकी बातों में और उनकी आवाज़ में कहीं ना कहीं खुमारी और खुद्दारी रहती है, ऐसे संजय निरुपम जी मेरी तरह कुछ ही दिन पहले अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू जी और पूज्य महात्मा गांधी जी की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई बहुत बड़ी अभिनेत्री और कुछ सीखना चाहिए ऐसे उर्मिला जी, लेफ्ट साइड बैठे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कार्यकर्ता बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सभी को वंदन करता हूँ, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ और जय महाराष्ट्र कहता हूँ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जब बम्बई आ रहा था तो बहुत सारे लोग जो गुजरात से बम्बई के अंदर व्यापार करते हैं, उन लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों को चुनाव का माहौल है तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों ने मुझे ये बताया कि हार्दिक भाई क्या होगा, आप अपनी राय बताइए। मैंने कहा पता नहीं, पैसा बहुत है भाजपा के पास, बड़ा पैसा खर्च करेंगे, गुजरात में तो एक एक सीट पर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और ज्यादातर मैं मानता हूं तो देश की लगभग सीटों पर एवरेज 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी आ सकती है। तो बड़ी चुपके से व्यापारी था, कान पर आके बोला कि ऐसा मत बोलो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कोई बोलेगा नहीं लेकिन चुपके से वोट करके निकल जाएगा, अगला वोट कांग्रेस पार्टी को देने वाले हैं। आज संजय निरुपम जी ने अपना मैनिफेस्टो यहां पर आपके सामने पेश किया है। मैंने अभी उर्मिला जी को कहा कि ये बंबई है, यहां के लोग बड़े फ्री नहीं होते कि आकर लोगों के भाषण सुने, नेताओं के भाषण सुने, लेकिन जितने भी लोग आते हैं उतने ईमानदार लोग आते हैं, जुझारू लोग आते हैं और उनकी हिम्मत है कि वो एक आदमी अगर शहर में निकल गया तो कम से कम 15 से 20 हजार वोट लाने की हिम्मत रखता है। ऐसे लोगों को सामने बात रखने का आज ये बड़ा गर्व का दिन है। आज पूरे देश का यूथ, महाराष्ट्र का युवा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की बात करती थी, किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करती थी, वो एफडीआई लागू न करने के लिए आंदोलन कर रही थी, जीएसटी लागू ना हो इसलिए आंदोलन कर रही थी, नोटबंदी लागू ना हो इसलिए आंदोलन कर रही थी, लेकिन आज उनकी बातों में ना किसान है, ना युवा है, ना व्यापारी है, ना आम जनता है। 5 साल तक हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का काम किया और आज 5 साल के बाद जब अपना पूरा रिपोर्ट लेकर जनता के बीच जाने की जरूरत थी, उसकी जगह वो लोग आज जनता को भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और देशद्रोह के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लो कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर नहीं होते, उर्मिला जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई अगर नहीं होती, तो आज शायद मैं कांग्रेस पार्टी की जगह भाजपा में होता तो वो लोग मुझे युवा नेता कहते, और उर्मिला जी अगर कांग्रेस की जगह भाजपा में शामिल होते तो आज उनको पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया होता। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है दोस्तों। पिछले 10-12 दिन से मैं देख रहा हूं फेसबुक और ट्विटर के अंदर भारतीय नारी के खिलाफ यानी कि उर्मिला जी के खिलाफ गलत गलत विवादी टिप्पणियां की जा रही है।
इस देश का नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ विवादित टिप्पणियां की जा रही है, जो लोग यहां के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग मराठावाड़ा और विदर्भ के किसानों के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग महाराष्ट्र और मुंबई के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, उनको देशद्रोह का सिंबल लगाया जा रहा है। और इस बात को लेकर हर एक नौजवान को जागरूक होने की दोस्तों जरूरत है। ये लोग कह रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूं कि वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, नेहरू जी को गाली दे रहे हैं, लेकिन वो शायद हमारा इतिहास भूल गए हैं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास भूल गए हैं कि जिस दिन आप लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उस दिन कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद कराने के लिए काम कर रही थी, ये देश की आजादी के लिए जेल में गई थी कांग्रेस पार्टी। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, हार्दिक भाई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का कारण क्या? अरे मैंने कहा ये कारण हो ही नहीं सकता, सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ये पार्टी सरदार पटेल की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, लाला लाजपत राय की पार्टी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पार्टी है। इस पार्टी पर सवाल कैसे खड़े किए जा सकते हैं? इस पार्टी में जुड़ने का तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, हमारे पूर्वजों ने जो इस देश के लिए काम किया है, हम भी काम करना चाहते, हम भी आने वाली पीढ़ी का अच्छा भविष्य बनाना चाहते, इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। यहां पर एनएसयूआर यूथ का कार्यकर्ता बैठा है, मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं गुजरात के गांव गांव घूमता हूं, हमारी क्या कमी है, हम कहां पीछे पड़ रहे हैं, उस पर हम लोगों को दोस्तों काम करने की जरूरत है। हमारा इतिहास निकालो 60 साल का, अगर हमारा इतिहास हम निकालेंगे और उसको लिखना शुरू कर देंगे ना, तो कम से कम 100 बुक भर जाएगी, इतना हमारा इतिहास है। उस इतिहास को लेकर हमें गांव गांव जाना पड़ेगा, उस इतिहास को लेकर हम हर परिवार तक पहुंचेंगे, उस इतिहास को लेकर हमारे सोसाइटी तक पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने IITC से लेके IIM, एम्स, रोड, रास्ते, बिजली, देश की सेना को मजबूत करने का काम किया है, यह कांग्रेस पार्टी है। तुम लोगों की तरह अंग्रेजों की गुलामी करने का और पूज्य महात्मा गांधी की हत्या करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं किया। आप शायद भूल गए हैं, आप जिस गुजराती को देखकर, नरेंद्र मोदी को देखकर जिन लोगों ने वोट किया था, उन लोगों ने शायद अहमदाबाद और बड़ौदा देखा था या सूरत देखा था, लेकिन सौराष्ट्र के उस गांव को आज तक आप लोगों ने नहीं देखा, जिस गांव में आज भी पानी के लिए लोग तड़प रहे, आज भी उस राज्य के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर सूखा पड़ा है। अगर उस राज्य को या उस डिस्ट्रिक्ट को देखकर आप लोगों ने वोट किया होता, तो मैं मानता हूं आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में 1700 कांस्टेबल की भर्तियां निकली थी, संजय भाई 1700 कांस्टेबल की भर्ती में 9 लाख गुजरात के युवाओं ने अप्लाई किया था, और आपको यह बात जान के चौकन्ना हो जाएंगे कि जब 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था उस भर्ती के लिए, दूसरे ही दिन पेपर लीक कर दिया गया और पूरी कांस्टेबल की भर्ती को, यानी कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। जिस गुजरात को आप सुरक्षित समझते हो, उस गुजरात में आज 10 दिन पहले सूरत के अंदर एक 7 साल की बच्ची पर बलात्कार की घटनाएं हुई, और जब उसको अस्पताल ले गए और उसको जब टाके लेने की बात आई, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इतनी भयानक स्थिति सूरत और गुजरात के अंदर है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जिन गुजराती को हमने दिल्ली तक पहुंचाया था, उसमें हिंदुस्तान का पूरा हिस्सा था, हिंदुस्तान की पूरी भागीदारी थी। आज हम लोगों को जागरूक होकर इस गुजराती को दिल्ली से वापिस गुजरात पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, हमारी है, हिंदुस्तान के हर एक नौजवान की है। जब 2014 से पहले गुजरात का कोई व्यक्ति, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, या बंबई हो, या उत्तर प्रदेश हो, अगर कोई जाता तो कहता कि क्या आप मोदी के गुजरात से आए हो, और लोग खुश होकर कहते कि हाँ हम मोदी के गुजरात से आए। लेकिन जमाना बदल गया है, आज कोई ये नहीं कहता कि आप मोदी के गुजरात से आए थे। आज लोग कह रहे कि यार क्या किया उसको, यहां भेजकर यहां से वापिस ले जाओ। ये हालात आज देश के बन गए। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, मैं किसी मोदी अमित शाह के गुजरात से नहीं आया,
मैं पूज्य महात्मा गांधी और सरदार पटेल के गुजरात से आप लोगों के बीच में आया हूं और सही वास्तविकता और हकीकत बताने के लिए आया हूं। थोड़े दिन पहले इलाहाबाद के अंदर कुंभ का मेला चल रहा था और मोदी जी दलितों के पांव धो रहे थे, और उसी दूसरे दिन इलाहाबाद से कम 100 या 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना बनती है। उन्नाव के अंदर एक बीजेपी का विधायक एक लड़की के बलात्कार की घटना के साथ साथ उसके पापा की हत्या करता है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उस बीजेपी विधायक को सस्पेंड करने का काम भी नहीं किया। यह देश की हालात पीछे नहीं जा रहा है, यह देश टूट रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह देश टूट रहा है। यहां व्यापारी परेशान है, यहां किसान परेशान है, यहां नौजवान परेशान है, यहां महिलाएं परेशान है, आम जनता परेशान है, और जहां पर जनता परेशान होती है वहां पर यह देश कभी प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। आप बताइए, पूरे विश्व में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, आपने किसी राज्य के या किसी देश के अंदर ऐसा सुना हो कि किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मैं चौकीदार हूं मुझे वोट दीजिए? विश्व के अंदर कहीं सुना है कि मैं चाय वाला हूं मुझे वोट दीजिए? और पता नहीं हिंदुस्तान की जनता यह बोलता कि मैं चौकीदार हूं, लोग तालियां बजाते हैं। हमें बदलना पड़ेगा, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, किसानों को चाहिए फसल की दुगनी आय, महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, और इसके जरिए इस देश का चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कई नौजवानों को पूछता हूं तुम्हें क्या चाहिए इन सरकार से, वो तीन चीज बोलता है। पहली चीज अच्छी और सस्ती शिक्षा, अच्छा और सम्मान के साथ रोजगार, और तीसरा मेरे भारत का नौजवान और मेरे भारत का जवान सीमा पर सुरक्षित रहना चाहिए। बस ये हिंदुस्तान के जवान की ये तीन ही मांग है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर युद्ध नहीं चल रहे और 60 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए, और ये हमारे साहब जवानों के नाम पर पोस्टर बनाते हैं, वोट मांगते हैं। 5 साल में अच्छा काम किया हो तो जाओ ना रिपोर्ट लेकर जनता के बीच, और सिर्फ अपनी भाषण में एक ही बात रखो कि मैंने इतने रोजगार दिए मुझे वोट दो, मैंने इतने किसानों के लिए काम किया मुझे वोट दो, मैंने जीडीपी यहां से यहां तक पहुंचाया मुझे वोट दो, मैंने हिंदुस्तान को शिक्षा के नंबर पर यहां से यहां तक पहुंचाया मुझे वोट दो। इनके पास ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए आपको कश्मीर भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री बड़े गजब के मुख्यमंत्री है, खुद बर्मा में जन्म लिए हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। वो 2 दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है। वो इतिहास भूल जाते हमारा, ये कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था आज तक वो लोग भूल जाते हैं। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं किया, उन्होंने लाला लजपत राय से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूज्य महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू का अपमान किया था। कुछ दिन पहले फिर से बोले कि गुजरात का नौजवान सरकार के सामने आंदोलन करता है, वो अलगाववादी है। उन्होंने गुजरात के करोड़ों युवाओं का अपमान भी किया। और आपके महाराष्ट्र की बात करता हूं, आप ही के महाराष्ट्र में एक साहित्यकार ने शिवाजी महाराज और जिजाऊ माता का अपमान किया था, उसी को इसी फडणवीस सरकार ने उसको पद्म, यहां का जो मराठा का जो अवार्ड होता है वो अवार्ड भी उनको दिया था। ये लोग बार बार आम हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे योद्धाओं का अपमान करते हैं, क्योंकि ये लोग इस देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, ये भाजपा के लोग भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। इसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक होने की और बोलने की दोस्तों जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब जानते हैं बंबई में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया से लेकर स्मार्टफोन हर के पास है। मुझे एक ऐसा भाषण राहुल गांधी का सुनाइए जिस मंच से वो रोए हो कि मेरी दादी ने इस देश के लिए जान दे दी मुझे वोट दीजिए, मेरे पापा ने इस देश के लिए जान दी मुझे वोट दीजिए।
आज तक ऐसा भाषण एक भी नहीं है, एक भी भाषण। यह संस्कार है कांग्रेस पार्टी के। और नरेंद्र भाई, मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं, मुझे वोट दीजिए, मैं गरीब ही, मुझे वोट दीजिए, मैं चाय बेचता था, मुझे वोट दीजिए, मैं 18 घंटे काम कर रहा हूं, मुझे वोट दीजिए, मैं रात को विदेश चला जाता हूं, मुझे वोट दीजिए, भाइयों बहनों मुझे वोट दीजिए, मैं आपका कुछ नहीं करने वाला। अब तो समझना पड़ेगा, अमित शाह किसानों के लिए जो वादे थे, नौजवानों के लिए जो वादे थे, 15 लाख रुपए का जो वादा था, अमित शाह एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देते, ये तो चुनाव के टाइम पर बोलने की चीज है, ये जुमला है। नितिन गडकरी कहते हैं कि जवानों के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ गड़बड़ हुई तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। वो नहीं चाहते कि नरेंद्र भाई फिर से प्रधानमंत्री बने, हम भी नहीं चाहते, तो दोनों ताकत एक हो जा रही है। तो लग पड़ो, अभी से यहां से बाहर निकले, एक एक कार्यकर्ता जिम्मेवारी ले ले कि मैं अपने परिवार का वोट कांग्रेस में दूंगा, मेरा परिवार जाकर सोसाइटी में कहेगी कि कांग्रेस को वोट देना है, और मेरी सोसाइटी जाके आसपास के एरिया में घूमेंगी और कहेगी कांग्रेस को वोट देना है, तभी जाके ये शक्ति और न्याय मजबूत हो सकता है, तभी ये हिंदुस्तान मजबूत हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसका इतिहास हम लोगों को, दोस्तों लोगों के पास जाना पड़ेगा। मैं 25 साल का एक नौजवान हूं, मैं भी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मेरी उम्र भी हो चुकी थी, 2017 में हम चुनाव नहीं लड़ सकते थे। पता नहीं यही मोदी जी अगर कहीं भाषण देते तो कहते हैं कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, और एक 25 साल का लड़का राजनीति में आने के लिए तैयार था तो कोर्ट से साला मामला इधर से उधर गड़बड़ दिया और 25 साल के लड़के को चुनाव लड़ने से रोक दिया। कई बार तो हम खुश हो जाते हैं, संजय भाई अंदर से हम अपने आप को एक बड़ा तिस्मार खान समझ लेते, क्या बात है 25 साल से लड़के से दोनों डर रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूं कि जितना आप डरोगे उतना डराएंगे, और आप शेर की माफिक, शिवाजी की माफिक अगर रोड पर निकल जाओगे ना तो ये आपके सामने खड़ा रहने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ताओं को यह समझकर काम करना पड़ेगा कि हमारी अगली सरकार हर एक नौजवान की सरकार होनी चाहिए, किसानों की सरकार होनी चाहिए, और कांग्रेस की बनने वाली सरकार में मैं चाहता हूं कि आपकी भी सुनिश्चित भागीदारी होनी चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी का भविष्य, महिलाओं का भविष्य, किसानों का भविष्य काफी सुंदर और सुरक्षित हो सके। आज इस युवा सम्मेलन में पूरे आसपास के एरिया से जो प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कोई कहे ना कहे, मुझे अभी एक आईबी वाला मिल गया था, संजय भाई हकीकत बता रहा हूं, आईबी वाला कह रहा था कि संजय भाई, उर्मिला जी और प्रियादत्त जी तीनों जीत रहे हैं, तीनों जीत रहे हैं। अब जरूरत यह है कि वो लाख वोट से जीत रहे हो तो उसको 1.5 लाख कैसे बनाना है, वो काम अब आप लोगों को करना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यह काम करके इस बंबई को, इस महाराष्ट्र को सुरक्षित बनाना है। अगर 2019 में जितनी ज्यादा सीट अगर हम यहां से लिए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बस इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान।